संयुक्त किसान मोर्चा की शनिवार को बैठक हुई। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा था क्योंकि कयास थे कि आज की बैठक में आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हो सकता है कि आज आंदोलन खत्म करने का भी ऐलान कर दिया जाए। तो आज हुई बैठक में क्या लिया गया फैसला, देखेंगे रिपोर्ट। सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में किसान संयुक्त मोर्चा ने MSP, किसानों पर लगे केस, वापसी जैसे मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। साथ ही किसानों ने साफ कर दिया कि अभी किसान आंदोलन समाप्त करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसम्बर को होगी, जिसमे आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। किसानों द्वारा सरकार से चर्चा करने के लिए जिन नामों पर सहमति बनी उनमें युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का, बलवीर राजेवाल, अशोक धवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल हैं। इस फैसले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि ये संयुक्त किसान मोर्चा की हेड कमेटी होगी जो सभी महत्वपूर्ण फैसले लेगी। अभी तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। अगर बातचीत के लिए बुलाया जाता है तो यही 5 लोग बातचीत के लिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने एक बार फिर दोहराया, अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा। टिकैत ने कहा, हम कहीं नहीं जा रहे। किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसम्बर को होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा बनाई गई 5 सदस्यों कमेटी का मकसद सरकार से सिर्फ अपनी मांगों को लेकर बातचीत करना है। केंद्र सरकार की तरफ से जो 5 सदस्यों की कमेटी MSP को बनाने के लिए दी गई थी, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। जब तक किसानों पर दर्ज केस वापस नहीं होंगे, उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। 7 तारीख को इस पर दोबारा बैठक होगी। इसके अलावा किसान मोर्चा की तरफ से आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 702 किसानों की लिस्ट कृषि सचिव को सौंपी गई। दरअसल लोकसभा में कृषि मंत्री ने कहा था कि आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का डेटा उनके पास नहीं है, ऐसे में मुआवजे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में अब किसानों ने लिस्ट सौंप दी है, तो अब देखना होगा कि सरकार मुआवजा देती है या फिर कोई नया बहाना बनाती है। DV लाइव की रिपोर्ट।